नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को बताए थे कि हमारे टीम के तरफ से एक मुहिम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके अलावा 10 मॉडल पेपर, 500 क्वेश्चन पेट्रोल एवं डीजल इंजन का, 200 क्वेश्चन यातायात एवं परिवहन का, इसके अलावा 200 सामान्य हिंदी और 100 इंग्लिश का प्रश्न इस चैनल के माध्यम से 29 नवंबर से पहले प्रदान कर दिया जाएगा। साथियों, उसी मुहिम के अंतर्गत आज हम लोग सामान्य ज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण के साथ आपके बीच उपस्थित हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि प्रश्न पढ़े जाने के 5 सेकंड बाद आपको आंसर देना होगा। साथ ही साथ आपको अपने आप को जांचना भी है कि आप कितना नंबर ला रहे हैं। आप सभी लोग से अनुरोध है कि जो साथी टेस्ट को देंगे, कृपया अपने नंबर को, आप कितना नंबर पाए हैं उससे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। देर न करते हुए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारतीय खान ब्यूरो संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, भारतीय खान ब्यूरो संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय खान ब्यूरो संस्थान स्थित है नागपुर। नागपुर कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कोलकाता में क्या है? कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। भारतीय भूगर्भ विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। लेकिन भारतीय खान ब्यूरो संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कृषि विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है? कृषि विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीसी कल्चर, ऑप्शन नंबर 3। साथ ही बताते चले कि एपी कल्चर के अंतर्गत हम लोग मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं और सेरी कल्चर के अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। इसी के अलावा बीटी कल्चर के अंतर्गत अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न के हम लोग चल रहे हैं। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बताइए साथियों, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति किस में चलाया गया था? मसाला के उत्पादन से। और खाद्य फसल के उत्पादन के लिए कौन सा क्रांति चलाया गया था? खाद्य फसल के उत्पादन के लिए हरित क्रांति चलाया गया था, जिसके माध्यम से गेहूं एवं चावल के पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। पानीपत का प्रथम लड़ाई कब लगाया गया? साथी बताइए, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब लगाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1526। कब लड़ाया गया था? 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध लड़ाया गया, इसमें बाबर विजयी हुआ था। 1757 में क्या लड़ाया गया? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? बताइए साथियों कि वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर उतरा था? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीकट। कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली निवासी यहाँ आया था, भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। भारतीय लोक सेवा विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय लोक सेवा आयोग विभाग का स्थापना किया गया था। बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। शहीद ए आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 1। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त या तो अपना कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कर लें या 65 वर्ष कार्यकाल पूरा कर लें, तो जैसे ही यह दोनों पूरा हो जाता है वो अपने कार्य से मुक्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। और भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और भारत का भारतीय झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? झंडा गीत श्याम प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सही आंसर हो जाएगा संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने की कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, वो संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला में। मनीला कहाँ स्थित है? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। काठमांडू में किसकी राजधानी है? सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, वायुसेना दिवस हाल ही में मनाया गया है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को कौन सा सैनिक बल का स्थापना दिवस है? 12 मार्च को केंद्रीय CRPF केंद्रीय सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। किसके द्वारा किया गया था लाल किले का निर्माण? शाहजहां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक के लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? महादेवी वर्मा को यामा नामक पुस्तक के लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? भारत भारती पुस्तक के लेखक हैं मैथिलीशरण गुप्त। कमायनी किसके द्वारा लिखा गया है? कमायनी लिखा गया है जयशंकर प्रसाद। और पल्लव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न आया है, अभिनव बिंद्रा के द्वारा ओलंपिक में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता गया? ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था। भारत एकमात्र व्यक्ति हैं जो अभी तक व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नर स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? किन्नर स्टेडियम झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड के जमशेदपुर में यह किन्नर स्टेडियम स्थित है। जमशेदपुर को स्टील सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है?
बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, आर्चरी इनका राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस के संविधान से लिया गया है। इस बात में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में, अधिकार की जब बात किया जाए तो अमेरिका और कर्तव्य की जब बात किया जाए तो रूस। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में 8वीं सूची में भाषाओं की संख्या 22 है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। सांसद बनने के लिए 25 वर्ष का आयु सीमा निर्धारित किया गया है। और विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। शांतिवन किस महापुरुष का समाधि स्थल है? शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है।